उत्तर कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंध, ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, रूस पर भी कुछ मामलों में अमेरिकी प्रतिबंध, और इधर चीन से ट्रेड वॉर हो रहा है। इसी बीच अमेरिका ने यूरोपीय संघ को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन से मंगाई जाने वाली 11.2 अरब डॉलर के सामानों पर टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है। ये सामान हवाई जहाज से लेकर गाय के दूध तक है। अमेरिका ने विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस को यूरोपियन यूनियन की सब्सिडी के जवाब में ये कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन यूनियन वर्षों से व्यापार में अमेरिका का फायदा उठा रहा है। विश्व व्यापार संगठन का निष्कर्ष है कि एयरबस को यूरोपियन यूनियन की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी से अमेरिका पर असर पड़ा है। अब अमेरिका यूरोपीय संघ पर 11 अरब डॉलर मूल्य के माल पर शुल्क लगाएगा। दरअसल अमेरिका यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार घाटे को कम करना चाहता है, जिसे लेकर वो पिछले साल से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने 2004 में विश्व व्यापार संगठन में शिकायत की थी कि यूरोपियन यूनियन एयरबस को अनुचित समर्थन दे रहा है। WTO व्यापार और विवाद निपटाने के लिए नियम तैयार करता है। WTO ने पिछले साल मई में दिए अपने फैसले में कहा था, यूरोपियन यूनियन ने एयरबस को कुछ अवैध सब्सिडी दी, जिससे उसके प्रतिद्वंदी कंपनी बोइंग को नुकसान हुआ है। अमेरिका को उम्मीद है कि इस बार होने वाली WTO की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और यूरोपियन यूनियन की सब्सिडी के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा।